हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनी पाल गुनगुन सिविंग क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो देखिए, स्लीव के अंदर अम्ब्रेला फ्रिल कैसे लगाई जाती है। फ्रिल में आप दो या तीन, जिस प्रकार से भी आपको फ्रिल लगानी हो उस प्रकार से आप लगा सकते हैं। मैं आज आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही विस्तार से बताऊंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कई लोगों ने बेल आइकन नहीं ऑन कर रखा है, वो लोग भी अपना बेल आइकन ऑन कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए हम सीखना शुरू करते हैं। देखिए, अब मैं आपको ये स्टिचिंग बताऊंगी इसकी, फ्रिल वाली आस्तीन की, जो अम्ब्रेला फ्रिल वाली आस्तीन की हमने कटिंग की। अब मैं इसको आपको जोड़ना बताऊंगी। देखिए, ये जो आपने स्लीव की जो कटिंग है आपको सिंपल तरीके से करनी है। जैसे हमने ये कोहनी तक की स्लीव की आस्तीन 11 इंच पे काटी हुई है, ये हमने नॉर्मल जो आस्तीन की कटिंग होती है वैसी ही की है। अब देखिए, इसको आपको फ्रिल की कटिंग आपको कैसे करनी है। देखिए, ये मैंने कपड़ा लिया हुआ है, नेट का कपड़ा है ये हमारा। ये मैंने देखिए डबल भाग में मोड़ रखा है, फिर मैंने इसको एक बार चार पड़ता में मोड़ा है। देखिए, ये चार डबल भाग में हमने इसको मोड़ लिया है। और अम्ब्रेला फ्रिल काटने के लिए हम क्या करते हैं, इस कपड़े को अम्ब्रेला शेप में हमको मोड़ना पड़ेगा। देखिए, ये वाला शेप हम इसको ऐसे तिकोना मोड़ लेते हैं। देखिए, इस प्रकार से हमको ये शेप मोड़ना है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इसकी गोलाई के हिसाब से ऊपर की कटिंग करनी है। आप ये देख लीजिए कि आपको फ्रिल कितनी बड़ी रखनी है। आपको फ्रिल 5 इंच की रखनी है, 6 इंच की रखनी है। देखिए, ये चार वर्ता में हमारे पास कपड़ा है, ये आस्तीन की गोलाई को भी हमको चार वर्ता में करना पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ पे हमारी गोलाई आ रही है 3.5। अब देखिए, आप इधर गोलाई को नापेंगे तो ये भी आ रही है हमारी यहाँ पे फिक्स 3.5। मतलब हमारी ऊपर की गोलाई जो मोहरी में लगेगी वो बिल्कुल बराबर है। अब देखिए, हमको जो फ्रिल काटनी है वो 6 इंच की काटनी है, तो आप फ्रिल वाली लीड्स का निशान सभी तरफ से 6 इंच लगा लीजिए। देखिए, इस प्रकार से 6 इंच लगा लीजिए। देखिए, ये दोनों आस्तीन की फ्रिल काट रही हूँ, इसलिए मैंने इसको 8 परत में रखा है। और अगर मैं डबल परत में रखती तो ये क्या करती, एक ही फ्रिल की कटती, इसलिए मैंने 8 परत में इसको रख लिया है। तो ये हमारी दोनों आस्तीनों की फ्रिल कट जाएगी। देखिए, इस प्रकार से देखिए, ये दोनों तरफ की हमारी अम्ब्रेला फ्रिल कट गई है। ये वाला हिस्सा हमारा आस्तीन की मोहरी में आएगा और ये वाला हिस्सा हमारा लटकता रहेगा। आपको अगर इसकी डबल फ्रिल काटनी है तो आप इससे छोटी डबल काट सकते हैं। आपको 3 फ्रिल की बनानी है तो आप इसकी लंबाई जितनी रखना चाहते हो उस हिसाब से आप इसको कम कर करके फ्रिल को काट सकते हैं। अब देखिए, हमने ये 6 इंच की फ्रिल काटी थी, अब मैं इसके अंदर एक और फ्रिल, डबल फ्रिल बनाना चाहती हूँ, तो मैं इसके अंदर एक 3 इंच की फ्रिल लगाऊंगी ताकि क्या हो, हमारी जो आस्तीन हो डबल फ्रिल की बने। देखिए, हमने ये नेट को डबल पोर्शन में ले रखा है, एक बार और समझ लीजिए। हमने ये दोबारा इसको 4 परत में कर लिया। आप देखिए, एक बंद भाग है और 2 खुले भाग है, तो ये हमारा 4 परत में हो गया। अब आप इसको इस प्रकार से मोड़ लीजिए। ये देखिए, हमने इस प्रकार से मोड़ लिया है। यहाँ पर आपको 3.5 का निशान लगाना है, ये 3.5 का आप निशान लगाइए। देखिए, गोलाई से आप देख लीजिए कि हमने 3.5 का निशान लगाया हुआ है, ये 3.5 का निशान लगा लीजिए। अब हमको जो फ्रिल बनानी है वो 3 इंच की बनानी है। 3 इंच की बनानी है तो आपको ये फ्रिल कितनी बड़ी काटनी पड़ेगी, 3.5 इंच की काटनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से आप 3.5 इंच की एक फ्रिल चारों तरफ निशान लगा दीजिए। ये देखिए, इस प्रकार से, ताकि हमारे पास जो तैयार फ्रिल आए वो कितने इंच की आए, 3 इंच की आए। देखिए, इस प्रकार से हमने 3.5 इंच पर निशान लगा दिया है। ये इस प्रकार से अब हमारी ये डबल फ्रिल भी कटकर तैयार है। ये देखिए, इस प्रकार से हमने काट दिया। ये हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमने निकाल दिया है। ये देख सकते हैं हम, ये हमारी डबल फ्रिल भी बनकर तैयार है। देखिए, हमारी ये दोनों फ्रिलें इस प्रकार से अटैच होंगी। ऊपर से हमको बराबर रखनी है और नीचे से हमने जो छोटी बड़ी रखी है वो हो जाएगी। और नीचे आप चाहे तो पीको करा सकते हैं, चाहे तो लेस लगा सकते हैं, आपके ऊपर ऑप्शनल है। ठीक, अगर आपको फ्रिल और ज्यादा लंबी चाहिए तो आपको सिर्फ लेंथ ही बढ़ानी है। गोलाई आपको मोहरी के हिसाब से रखनी है, जो आपकी आस्तीन की गोलाई होगी उसके हिसाब से रखनी है। और बाकी आपको क्या करना है कि नीचे की तरफ अगर आप ज्यादा लंबी फ्रिल चाहते हैं तो लंबाई बढ़ाते जाइए, और उसके हिसाब से कितनी कितनी गैपिंग में आपको फ्रिल ऊपर तक जानी है तो आप उस गैपिंग के हिसाब से फ्रिलों को छोटा कर सकते हैं। और सिंगल फ्रिल चाहिए तो सिंगल फ्रिल आप नॉर्मली लगा ही लेंगे। अब चलिए, मैं इसकी आपको स्टिचिंग बताती। देखिए, पहले आप एक बड़ी फ्रिल ले लीजिए और उसके बाद ये छोटी फ्रिल ले लीजिए। बड़ी फ्रिल को आप छोटी फ्रिल से सिंगल सिलाई में अटैच कर दीजिए। देखिए, ये हमने सिर्फ सिंगल फ्रिल को डबल फ्रिल से अटैच किया है। ये देखिए, ऊपर देख सकते हैं। इसी प्रकार आप दूसरी फ्रिल को भी लगा लीजिए।
ये देखिए हमने इसकी भी फ्रिल लगाकर तैयार कर ली है। अब इसको आपको आस्तीन में कैसे अटैच करना है वो आपको मैं बता। ये आपकी ऊपर वाली साइड है जो गोलाई में आस्तीन शोल्डर से जुड़ेगी, और ये आपकी जो नीचे वाली साइज है गोलाई वाली उसमें हम जोड़ना बताएंगे। देखिए इसमें आपको क्या करना है, छोटी वाली फ्रिल ऊपर रखनी है और बड़ी वाली फ्रिल नीचे रखनी है। तो देखिए इस प्रकार से आप रखिएगा, छोटी वाली फ्रिल आपने ऊपर की तरफ रखी है नीचे की तरफ, और ऊपर बड़ी वाली फ्रिल आपने ऊपर की तरफ रखी है। तो उससे क्या होगा, आपकी छोटी फ्रिल ऊपर आएगी और बड़ी फ्रिल नीचे आएगी। एक सिलाई से आप इसे अटैच कर दीजिए। ब्लाउज का जो पीस है वो सीधा रखना है और फ्रिल हमको उल्टी रखनी है, तब आपकी ये फ्रिल बराबर बैठ जाएगी। अब देखिए आप इसको इस प्रकार से पलटेंगे तो ये फ्रिल हमारी ऐसे लगी हुई आपको दिखेगी। अब आपको ये वाली सिलाई इसको ऊपर करना है इस प्रकार से। देखिए हमने ये ऊपर की सिलाई लगा ली है, जो नीचे हमारा दबाव दिख रहा था उसको हमने ऊपर की तरफ करके नीचे सिलाई लगा ली है। आप इस पर चाहे तो आपका जो ब्लाउज पीस में साड़ी का बॉर्डर हो आप वो भी लगा सकते हैं। अगर साड़ी का बॉर्डर आप नहीं लगाना चाहते, अगर वो ज्यादा चौड़ाई में है तो कई लोग नहीं पसंद करते, तो आप उस पर ये सिंपल चेन वाली लेस भी लगा सकते हैं। तो देखिये मैं आपको ये सिंपल, इसमें साड़ी का बॉर्डर बहुत चौड़ा है तो इसलिए मैं आपको सिंपल चेन वाली लेस लगाकर बता रही हूँ। देखिए आप देख सकते हैं कि हमने फ्रिल लगा दी है और इस पे जो हमने लेस लगाई है वो कितनी अच्छी लग रही है। देखिए अब आप इसको सिल लीजिए साइड से। देखिए इस प्रकार से इस आस्तीन को आपको सिल लेना है। आप चाहे तो ब्लाउज में या कुर्ते में अटैच करके भी इसे सिल सकते हैं। देखिए हमारी ये फ्रिल बनकर तैयार है, आस्तीन जो हमने तैयार कर ली है। आप इसमें चाहे तो पीको करा सकते हैं, चाहे तो इसी प्रकार से लेस लगा सकते हैं। हम इसमें पीको कराएंगे और ये हमारी आस्तीन बनकर तैयार है। आप इसे किसी भी कुर्ते में लगा सकते हैं, किसी भी ब्लाउज में लगा सकते हैं। ये बनने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है और आजकल बहुत ट्रेंड में भी है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये फ्रिल का तरीका जो है काटने का और सिलने का तरीका समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, हम आपकी परेशानी को दूर करेंगे। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट भी करते रहें। जो भी आपको दिक्कतें आए वो आप हमें बताएं ताकि हम सॉल्यूशन निकालें और आपको वीडियो डाल सकें।